टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जहां एक तरफ नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं प्याज के गिरते दामों ने किसानों को रुला कर रख दिया है। जी हां, बीते कुछ महीनों से प्याज के लगातार गिरते दाम किसानों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में किसान प्याज को कम दामों में बेचने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास प्याज का स्टॉक करने की सुविधा उचित रूप से नहीं है, साथ ही फसल को ज़्यादा दिन तक रखने से फसल खराब होने की भी संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में जो दाम मंडी में चल रहे हैं, उन्हें उन दामों में ही प्याज को बेचना पड़ रहा है। आगे अब बारिश का सिलसिला धीरे धीरे चालू हो जाएगा, मानसून अपनी पकड़ बना लेगा और स्टॉक की हुई प्याज भी खराब होने लगेगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले दो महीनों में पहले प्याज के दाम 200 रुपये से लेकर 900 रुपये चल रहे थे, लेकिन कुछ दिनों अचानक से प्याज के दामों में गिरावट आ गई है, जो अब 240 रुपये से घटकर 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में पहुंच गया है। प्याज के गिरते दामों की वजह से कुछ किसान अपनी फसल को खेत में ही नष्ट कर दे रहे हैं। किसानों को अपनी फसल के घटते दामों में बेचने से बेहतर यह विकल्प सूझ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल से लागत भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसे में उन्हें इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। किसानों की परेशानियों को देखते हुए किसानों को यही सलाह दी जाती है कि वह अपनी फसल के भागों में रख बाजार में बिक्री करें, साथ ही जिनके पास फसल को भंडारण करने की उचित व्यवस्था है, वे फसल को भंडारण में रखें ताकि दाम बढ़ने पर उन्हें उचित कीमत पर बेचा जा सके। प्याज के गिरते दाम किसानों की तो परेशानियां बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सरकार किसानों को इन हालातों से कैसे बाहर निकालती है? क्या किसानों को अब फसल से मुनाफा प्राप्त हो सकेगा? रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।